अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो खबीस नरसिम्हा नंद ना कहें, नरसिम्हा गन सरस्वती कहें तो ही अच्छा है, क्योंकि उसने पूरे हिंदुस्तान में एक गन फैला के रखी हुई है। दोस्तों, नरसिम्हा नंद सरस्वती ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़े बड़े अल्फाज जो बोले, जिसको हम दोहरा नहीं सकते, अपनी ज़बान से बोल नहीं सकते, इतनी बड़ी उसने गुस्ताखी की उस खबीस ने। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जब नरसिम्हा नंद सरस्वती ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में बोला तो वहाँ पर सैकड़ों मुसलमान उस मंदिर के सामने इकट्ठा हुए। तो पुलिस को जब खबर मिली, तो पुलिस वहाँ पर जब पहुँची, तो पहुँचने के बाद नरसिम्हा नंद सरस्वती को सिर्फ डिटेन किया गया है। जी हाँ, सिर्फ उसको डिटेन किया गया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको डिटेन करके कमरे में रखा गया है। दोस्तों, जो कि सऊदी अरब ने से भी हरमैन शरीफैन के ट्वीट से भी ट्वीट किया गया है कि इस खबीस को जल्द जल्द गिरफ्तार कर, लेकिन अभी तक नरसिम्हा नंद सरस्वती गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, सरकार क्या करना चाहती है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही नरसिम्हा नंद सरस्वती को? क्योंकि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की जान है, हमारी जान है, और इस जान पर ये वार कर रहा है, इसको जल्द जल्द गिरफ्तार करे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरसिम्हा नंद सरस्वती की जो वीडियो टहल रही है, जो कहा जा रहा है गिरफ्तार हो गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कोई भी वीडियो में अभी तक प्रूफ नहीं मिला उन्हें गिरफ्तार करूँ, सिर्फ पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया है। और जो पहले की जो वीडियो दिखाई जा रही है, पुरानी वीडियो, जो पहले नरसिम्हा नंद सरस्वती को गाड़ी में ले जाया गया था, वो पहले की फ़ोटो और वीडियो चलाई जा रही है। अभी नरसिम्हा नंद सरस्वती को इस जब अभी ताज़ा उसने जो गुस्ताखी की है, इसमें किसी भी तरीके की नरसिम्हा नंद के ऊपर कार्रवाई नहीं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी हैदराबाद से उस शख्स के ऊपर गिरफ्तारी के लिए FIR किया है, लेकिन अभी तक दोस्तों नरसिम्हा नंद सरस्वती गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, हम सबको संविधान के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट करना चाहिए, और हम सबको करना ही पड़ेगा, तब जाके नरसिम्हा नंद सरस्वती जैसे लोग के ऊपर सरकार तंबी करेगी, और फिर आए दिन जो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो ज़्यादा से शेयर करें ताकि और लोग तो ये वीडियो पहुँचे, ताकि जो लोग गुमराह हो रहे हैं कि नरसिम्हा नंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोस्तों उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ उसको डिटेन किया गया। इस वीडियो ज़्यादा से शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा।